मॉर्निंग रिस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन योर इंग्लिश क्लास. टूडे वी रीड चैप्टर नंबर 3 ऑफ रीडर बुक, दैट इज़ द फर्स्ट फ्रूट. ओके बेटा, वेरी नाइस स्टोरी, लिसन केयरफुली. दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग एंड एन ओल्ड मैन. ओके, नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग. वन मॉर्निंग अ किंग लेफ्ट हिज कैपिटल एंड वेंट आउट टू विजिट हिज कंट्री साइड. कहता है एक सुबह एक राजा अपनी कैपिटल को छोड़कर अपने देश का दौरा करने निकला. मींस वो अपनी जहाँ पे रह रहा था वहाँ छोड़कर ये देखने चला गया कि उसके देश में क्या हो रहा है. ऑन द वे ही सा एन ओल्ड मैन वर्किंग इन अ फील्ड. कहता उसने क्या देखा वे पे, उस रास्ते पे देखा उसने कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खेतों में काम कर रहा था. किंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग. किंग ने उसको जाके कहा गुड मॉर्निंग फ्रेंड, उसने विश किया गुड मॉर्निंग. कहता तुम क्या कर रहे हो. ओल्ड मैन, गुड मॉर्निंग योर हाईनेस, आई एम प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग्स. कहता कि मैं जो है, सैपलिंग्स होता बेटा छोटे पौधे, जब हम उगाते हैं ना पौधा छोटा सा होता है उसको सैपलिंग बोलते हैं. कहता मैं मैंगो जो ट्री है, मैंगो सैपलिंग है, उसको मैं प्लांट कर रहा हूँ, मीन्स उगा रहा हूँ, बीज रहा हूँ. किंग, यस आई सी यू आर प्लांटिंग सैपलिंग. कहता मैं देख रहा हूँ कि तुम सैपलिंग जो है उसको प्लांटिंग कर रहे हो. दीज लिटल सैपलिंग्स विल टेक अबाउट 15 ईयर्स टू ग्रो इंटू बिग ट्री. कहता ये जो ट्री लिटल सैपलिंग है, ये जो छोटा सा पौधा है, कहता ये 15 साल इसको लगेंगे ग्रो होने में, बदलने में, किस में, एक बिग ट्री, मतलब इसको एक बिग ट्री बनने में 15 साल लगेंगे. आर यू गोइंग टू ईट देयर फ्रूट्स. कहता तुम इसके जो फ्रूट ईट है वो कर सकोगे, करोगे इसके फ्रूट ईट. ओल्ड मैन, नो सर. कहता नहीं, आई एम वेरी ओल्ड एंड वीक. कहता मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हूँ. आई एम श्योर दैट आई विल नॉट ईट द फ्रूट्स. कहता मुझे पक्का पता है कि मैं इसके जो फ्रूट्स हैं वो नहीं खा सकता. बट अदर विल ईट देम. कहता लेकिन जो दूसरे हैं वो इसके जो फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं. आई एम प्लांटिंग दिस सैपलिंग्स फ्रॉम देम. कहता ये मैं उनके लिए ही प्लांट कर रहा हूँ. आई एम हैप्पी. कहता मैं खुश हूँ. फिर किंग उसको बोलता है यू आर अ काइंड मैन. तुम कहता एक काइंड मैन हो. यू आर डूइंग योर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवार्ड. कहता तुम अपनी जो जॉब है वो कर रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो बिना किसी उम्मीद से, कि इनाम की उम्मीद से कि मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है ना, उसके बिना अपनी ड्यूटी कर रहे हो. ओल्ड मैन, आई विल बी हैप्पी टू सी दीज सैपलिंग्स विल ग्रो. कहता मैं खुश हूँगा कि ये जो प्लांट है वो अच्छे से विकसित हो जाए, मीन्स अच्छे से उग जाए. इट विल गिव मी अ ग्रेट ग्रेट प्लीजर. कहता ये मुझे बहुत खुशी देगा. प्लीजर क्या होता है, खुश, हैप्पी. किंग, यू आर अ नेचर लवर टू. नेचर लवर होता है जो कुदरत से प्यार करता है, ठीक है, जो कुदरत से प्यार करता है उसको बोलते हैं नेचर लवर. कहता तुम नेचर लवर भी हो. प्लीज़ टेक दीज गोल्ड कॉइन्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी. कहता ये मेरे से, कृपया ये मेरे से जो गोल्ड कॉइन है वो ले लो गिफ्ट के तौर पर. ओल्ड मैन, थैंक यू सर. वो उसको धन्यवाद बोलता है. दीज गोल्ड कॉइन्स आर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ माय लिटिल सैपलिंग. कहता ये मेरा फर्स्ट फ्रूट है मेरे छोटे नन्हे पौधों का, ठीक है, मतलब जो ये गोल्ड कॉइन्स हैं वो मेरे नन्हे पौधों का जो है फर्स्ट फ्रूट है. ओके बेटा, दिस इज़ योर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इससे हमें क्या मॉरल मिलता है कि हमें जो काम है वो अपने लिए नहीं दूसरों लिए करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुशी देने से हमें अपने आप खुशी मिलती है. ठीक है बेटा, तो नाउ इससे हमें ये भी
मॉल मिलता है कि हमें जो प्लांट्स हैं वो प्लांट करने चाहिए, है ना। सो हमें एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ओके, नाउ यू कैन ट्राई द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।